आप सारी संप्रदाय नानक सर कलेर प्यार करने वाले हैं। उस स्थान के पुरातन कीर्तनी उस्ताद बाबा केहर सिंह वर्गे जिन्हां दे प्यारे कीर्तन गुरबाणी तो अलावा जिहड़े कवियां दे लिखे कलाम भी आप सारे सुने ने कितना सोहना वो जदों विराग दा कीर्तन करदे सन। मैं अक्सर एक बेनती करदा हुंना जिहड़े मौत नाल संबंधित शब्द ने ना असी रागी सिंह केवल मर्ग दे भोगां ते पढ़दे हां। थोड़े दिन पहला लुधियाणे साडा मेल होया ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी उन्होंने बड़ी प्यारी कथा की। कहिंदे जिहड़ा शरीर चलिया गया ना ये जिहड़े शब्द ने यह मृतक वास्ते नहीं देखे भी मृतक चला गया शमशान घाट विच उहदा शरीर पिया उत्थे बैठे मौत नाल संबंधित शब्द पढ़ते रहिए। कहिंदे जिहड़े ये गुरबाणी ने तुहानूं मौत चेते करवाउण वास्ते शब्द 1430 अंग विच लिखे ने ना उन्हां शब्दां नूं हर बंदे नूं जिउंदे जी उहदा कीर्तन सुनना चाहीदा। इत्थे ते कदे किसी दे घर विच कदे मर्ग दा शब्द पढ़ दीए अखंड पाठ दे भोग ते सुख नाल सारा परिवार लड़ पवेगा। पर प्यारिओ सच्चाई नूं ते अज इस रब दे प्यारे ओ रब्बी रूह बाबा रविदास जी महाराज जी उन्हां दा जन्म आगमन भी है। मैं कहना मैं उन्हां दी गल तां कीती है उन्हां दा जन्म दिन पूर्णमाशी आगमन पुरब है उन्होंने किन्नी प्यारी बात कही है। जिउंदे जी बंदा क्यों ना पढ़े कहिंदे प्राणी क्या मेरा क्या तेरा रोज बंदा शब्द पढ़े हो बंदिया तेरा मेरा कुछ नहीं इत्थे क्यों झगड़े करी जाने चाहे जैसे तरवर पंख वसेरा कहते जिम्मे पंछी आलने कोई मेर थोड़ा जो मर्जी छड़ जाना। मैं अक्सर बेनती करता हूं अज जिहड़ा साडा ट्रेंड चल पिया भी साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा आ गया बंदे मोबाइल भर देंदे ने स्टेटसां दे नाल अज बाबा रविदास जी का जन्म दिहाड़ा आ गया बधाइयां दे दे के असीं मोबाइल भर दिंदे आ। प्यारिओ 364 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਵਸੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਆਲਣੇ ਨੇ ਰੂਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख वसेरा रखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा उच्चे मंदर सुंदर रारी राम नाम बिन बाजी हारी। सारा शब्द पढ़िए सारे शब्द विच उन्होंने कैसे कमाल दे बोल कहे ने ते अपने आप नूं कित्थे रखे है मेरी जात कमीनी पात कमीनी होछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। कदे हजे भगतां नूं मैं तुहाडे ते नहीं कहिंदा साडे वर्गे जिन्हां नूं कोई माड़ी मोटी पूछ लग जांदी है ना वी रागी सिंह जी ज्ञानी जी जां बाबा जी ओह पढ़न वी एड्डी कमाई वाला भगत हो के वी अपने आप नूं कह रहा कह रविदास चमारा। इत्थे कदे सेक्रेटरी कदे किसे दे नाम नाल इक दी पूछ लाउणी भुल जाए ना ते माफ करना उह बाबे दे चेले उठ के कुट्टण ताईं जांदे ने वी ते इक तखालस क्यों घट ला तां माफ करना इह बड़ियां सच्चियां गल्लां ने। अज उन्हां रब्बी रूहां नूं असीं मत्थे क्यों टेकदे आं रब्बी रूहां रविदास बाबा जी कबीर साहिब सैण जी इत्थों तक कि जिहड़े कसाई पुणे दा कम करदे सदने वर्गियां नूं वी मत्था टेकदे आ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बह गए क्यों उन्हां ने अपनी हस्ती मिटा दित्ती साडियां हस्तियां ने ते प्यारिओ उन्हां ने हस्तियां मिटाइयां करके तां इदां दी गुरबाणी लिखी भी बंदिया काहदे झगड़े करदा जैसे तरवर पंख वसेरा इस संसार ते तेरा मेरा कुछ नहीं बंके बाग पाग सर डेरी ए तन होएगो भस्म की ढेरी कहिंदे जिन्नियां मर्जी टेढ़ियां टेढ़ियां कर पग्गां बन लै इह शरीर ने एक दिन मिट्टी हो जाणा उच्चे मंदर सुंदर नारी कहिंदे उच्चे उच्चे मंदर सुंदर रूप वालियां इस्त्रियां बड़े आए तेरे वर्गे पर राम नाम बिन बाजी हारी रब दे नाम बिना बाजी हार के चले गए। एहो जे भगतां नूं पढ़िया करिए कम से कम जिहड़े असीं गुरबाणी नाल प्यार करन वाले आ सानूं ते दो तिन महीनियां विच सहज पाठ करना चाहीदा पर जिन्हां दा चलो ग्रिस्त दा कम करदे ना ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਟਾਸ਼ ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ
पर ये ने भी वो बापू नूं रुमालिया च ढक के रखना है, वो बापू नूं पढ़ना भी जरूर है। कहिंदा की है जिंदगी अजकल तो इन्ना सौखा जमाना इंटरनेट दे युग ने कर दिता है कि तुसी हर शब्द नूं पढ़ो, हर शब्द दे अर्थ तुहाडे सामने आ जाणगे। क्यों? उन्हां सतपुरखां ने सानूं सच्चाई बयान कराई है भी संसार तो भाई जाणा है,